हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जो झटपट बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्का फुल्का, जो बच्चों को अचानक भूख लगती है ना, उसके लिए एक ऐसा नाश्ता जो जल्दी भी बन जाता है। तो उसके लिए मैंने लिए ये दो आलू बॉईल करे हुए। अब हम इसमें डालेंगे आधा प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च, आधा टमाटर, आधा नींबू का जूस, थोड़ा सा जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च आधा चम्मच। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली है ना, तो इसलिए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा आलू का मसाला है, ये इस तरह का बन गया है। अब हम इसके दो कर सकते हैं, दो काम, या तो हम चम्मच से लगा लें, और या फिर हम इसका क्या करेंगे, छोटे छोटे इस तरह से ना गोले से बना लेंगे, इस तरह से। अब हम क्या है, ये इस तरह के बिस्किट आते हैं ना मार्केट में, मिलते हैं, ये ले लेते हैं हम। और अब इन पे हम ये जो हमने आलू का मसाला बनाया था ना, अब इसका इस तरह से इस पे लगा के और इस पे लगा लेते हैं, इस तरह से अच्छे से, जितना इसके ऊपर आराम से आ जाए। और अब हम दूसरा जो बिस्किट का पार्ट है ना, वो इसको ले लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये वाली साइड जो है ना ऊपर रखनी है। अब हमारा ये इस तरह से बन गया ना, ये देखिए। अब हमें इसे इस तरह से, जिससे पूरे आलू हमारे इसके अंदर अच्छे से लग जाए। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है खाने में। ये देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है स्क्वायर शेप में। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ये सॉस में डिप करेंगे, जो टमाटो केचप रहता है ना उसमें, इस तरह से हल्का सा, पूरा नहीं करना है ये, इस तरह से थोड़ा थोड़ा, देखिए चारों साइड से इस तरह से हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब ये मैंने देखिए इस तरह से कर लिया ना, ये सब चारों तरफ से, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने सेब भुजिया ली है, आप इसकी जगह आलू भुजिया भी ले सकते हैं, है? अब हम इसको इस तरह से इस पर लगाएंगे, इस तरह से, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से पूरे में। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए, इसका जो हम इसमें सॉस लगाते हैं उसका हमें मीठा सा फ्लेवर आता है, और अंदर आलू लगाए ना उसका चटपटा फ्लेवर आता है। अब हम इसको क्या है, इस तरह से प्लेट पे रख लेंगे, और इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं सब। ये देखिए, हमने सभी बिस्किट इस तरह से बना लिए हैं। अब हम इसे क्या है, थोड़ा सा ये टमाटर जो सॉस रहती है ना, इसको लगाएंगे इस तरह से, क्या इससे देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को देना है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा डेकोरेट करके दो तो अच्छा लगता है। इस तरह से हमने सब पे लगा लिया ना थोड़ी थोड़ी सॉस। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए इस तरह से। और ये खाने में बहुत, बच्चों को नहीं, हम लोगों को भी बहुत पसंद है, हमारे घर में सब बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और झटपट बनने वाला नाश्ता, ना गैस की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत, और हमारे पास आलू हमेशा रहते ही हैं उबले हुए। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।